राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से बीजेपी ने चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को राजस्थान से चुन्नीलाल गरसिया और मदन राठौर को उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी की ओर से जारी की गई सूची में दोनों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें बताया गया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों के नामों पर मुहर लगाई है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा में 27 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाना तय है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मदन राठौर की बात की जाए तो मदन राठौर पाली की सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 में मदन राठौर इस सीट से पहली बार विधायक बने और फिर 2013 में इस सीट से दोबारा चुनकर आए। मदन राठौर 2013 से 2018 तक उप मुख्य सचेतक भी रहे। हालांकि 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो मदन राठौर ने निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी कर ली थी। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी के मान मनोवल के बाद कदम वापस ले लिए थे। कहा जा रहा है कि पार्टी की बात मानने का ही इनाम मदन राठौर को राज्यसभा की सीट के लिए मिला है। वहीं दूसरे उम्मीदवार चुन्नीलाल गरसिया राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। संगठन के कई पदों पर भी गरसिया ने जिम्मेदारी निभाई है। चुन्नीलाल गरसिया सियासी तौर पर मेवाड़ बागड़ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के जरिए बीजेपी की कोशिश ओबीसी और आदिवासी वोटर्स को साधने की है। मदन राठौर पाली जिले के सुमेरपुर से आते हैं। वो गोड़वाड़ के प्रमुख ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। वहीं चुन्नीलाल गरसिया की आदिवासी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है।